खबर है दुमका के काठीकुर से। गलती विभाग की, खामियाजा भुगत रही है लाभू। विभाग की एक गलती की वजह से प्रधानमंत्री आवास मिलने के बाद भी महिला लाभू 2 साल से दूसरी किस्त के कार्यालय के चक्कर काट रही है। प्रखंड के आस्थाजोड़ा पंचायत अंतर्गत मधुबन गांव की मेरी मुर्मू को वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आवास निर्माण की स्वीकृति मिली। पहली किस्त के रूप में उसके खाते में 12,000 रुपया डाले गए। इस पैसे से उसने निर्माण कार्य शुरू किया। नींव खुदाई के बाद उसने विभाग से दूसरी किस्त की मांग की। पंचायत सचिव ने जल्द देने का भरोसा दिया। 3 माह तक उसके खाते में पैसा नहीं आया तो उसने फिर से पंचायत सचिव से अनुरोध किया। इस बार सचिव ने लाभुक को बताया कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण के 25,000 रुपये दूसरे के बैंक खाते में चला गया, जल्द ही उसके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। लाभुक का कहना है कि पंचायत सचिव ने कई बार आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति ली, लेकिन आज तक पैसा नहीं भेजा। आवास के अभाव में 6 बच्चों की माँ अभी भी आवास स्वीकृति होने के बाद भी झोपड़ी नुमा घर में रहने को विवश है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी रजनीश कुमार का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं थी, जल्द ही लाभुक के खाते में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। खबर है दुमका के जामा से। आरक्षण के लिए तेज करना होगा आंदोलन। जामा प्रखंड मुख्यालय के सामने रविवार को संथाल परगना पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की विशेष बैठक आनंदी राउत के अध्यक्षता में की गई। सर्वसम्मति से कई बिंदुओं पर चर्चा कर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष माधव चंद्र महतो ने कहा कि झारखंड निर्माण के साथ ही दुर्भाग्यवश एकत्रित बिहार में प्राप्त 27% आरक्षण को काट कर 14% कर दिया गया है, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दुमका जिला का आरक्षण शून्य करना है, जो पिछड़ा वर्ग के साथ अत्याचार किया गया है। अब मोर्चा की मांग है कि आबादी के मुताबिक एक झारखंड पिछड़ा आयोग की अनुशंसा के आलोक में आरक्षण का निर्धारण किया जाए। खबर है जामताड़ा से। 30,340 कार्ड धारियों को अब तक नहीं हुआ आधार सीडिंग। उपायुक्त के निर्देश पर संपन्न अभियान के तहत राशन कार्ड में अंकित 70,000 में 39,660 सदस्यों के आधार सीडिंग हो चुकी है। शेष 30,340 सदस्यों के आधार सीडिंग एक पखवाड़ा के अंदर करना है। आपूर्ति विभाग इसकी पहल कर रहा है। जिले में खाद्य सुरक्षा के तहत 1,47,769 परिवारों को राशन कार्ड निर्गत किया गया। निर्गत राशन कार्ड में 8,05,633 सदस्यों का नाम अंकित है। इन कार्डधारियों को प्रतिमाह 1 रुपया प्रति किलो की दर से चावल गेहूं की आपूर्ति की जाती है। फर्जीवाड़ा खत्म करने को अभियान। निर्गत राशन कार्ड में फर्जी और डबलिंग सदस्यों का नाम हटाने के उद्देश्य से आधार सीडिंग अभियान चलाया गया था। 15 दिवसीय आधार सीडिंग अभियान में 70,000 में से 39,660 सदस्यों का आधार सीडिंग हो चुकी है। वर्तमान समय में 30,340 सदस्यों की आधार सीडिंग नहीं हुआ है। एक पखवाड़े के अंदर इन सदस्यों की आधार सीडिंग नहीं होगी तो विभाग इनके नाम को राशन कार्ड से हटाएगा। खबर है साहेबगंज से। लैंड म्यूटेशन एक्ट के खिलाफ सड़क पर उतरे भाजपा। झारखंड सरकार के लैंड म्यूटेशन बिल के विरोध में रविवार को जिले भर में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। कहीं बिल के प्रति जलाई गई, कहीं पुतला जलाया गया। साहेबगंज शहर के विवेकानंद चौक पर बिल की प्रति जलाई गई। नए उपाध्यक्ष रामानंद शाह ने कहा कि इस तरह के तुगलकी बिल से अफसरशाही को बढ़ावा मिलेगा एवं झारखंड के मूल वासियों का शोषण होगा। अगर हेमंत सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो भाजपा आंदोलन के लिए बाध्य होगी। किसी भी प्रकार से झारखंड वासियों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। 6,86,00,000 से होगा रोजगार सृजन, मिटेगी बेरोजगारी। साहेबगंज जिले में आत्मनिर्भर भारत प्रधान ग्राम रोजगार सृजन योजना के जरिए रोजगार सृजन होगा और इसका फायदा बेरोजगारों को मिलेगा। विभिन्न बैंक के लिए लोन उपलब्ध कराएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 344 लाभुकों को 3.12 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज के तहत 32 बेरोजगारों को 3.66 करोड़ रुपए लोन दिया जाएगा। प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए लोन दिया जाएगा। इसके लिए 178 आवेदन आया है। साहेबगंज का विकास होगा चुनावी मुद्दा। राजू प्रखंड के बाड़ा दाऊद गांव में भाजपा की ओर से विभिन्न स्तरीय कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसको उद्घाटन करते हुए पूर्व डॉक्टर राजू कुमार सिंह ने कहा कि इस चुनाव में साहेबगंज का विकास ही मुद्दा होगा। बीते वर्ष में विकास के नाम पर क्षेत्रों में कुछ नहीं हुआ, इससे जनता में नाराजगी है। कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुट जाने की अपील है। कहा कि चुनाव परिणाम कार्यकर्ताओं की मेहनत पर निर्भर होगा। मौके पर बाबूलाल महतो, राजकिशोर, राम वासुदेव, राम राजेंद्र भगत आदि मौजूद थे।
खबर है पाकुड़ से। झारखंड बंगाल के अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। झारखंड बंगाल में छिपे अपराधियों पर दबिश बढ़ेगा। दोनों राज्यों की पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है। झारखंड बंगाल सीमा पर दोनों राज्यों की पुलिस ने रविवार को एक दूसरे के अपराधियों की सूची सौंप दी है। साथ ही एक दूसरे से अपील की है कि अपराधियों की गिरफ्तारी में मदद करे। जेल अदालत के प्रति कैदियों को करे जागरूक। जिला विधेयक सेवा प्राधिकरण की ओर से रविवार को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल अदालत का आयोजन किया गया। मंडल कारा में विचाराधीन कैदियों की ओर से मामले का निष्पादन के लिए आवेदन नहीं आया। एक भी मामले नहीं आने की वजह से इन साल में झारखंड के 3.08 लाख किसानों को मिला मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इस पर डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोले कि झारखंड के अन्नदाताओं के समुचित विकास के लिए केंद्र सरकार की पहल रंग ला रही है। प्रदेश के लाखों किसानों के कृषि भूमि को उन्नत बनाने के दिशा में मृदा स्वास्थ्य परीक्षण सकारात्मक असर दिखा रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।